Good afternoon, students. I am Bhavna, your maths teacher. Today we will do revision of chapter number 8. Chapter number 7 की हम already revision जो है वो कर चुके हैं. अब हम करेंगे chapter number 8 की revision. Okay? Measurement है. जैसे exercise 8A, observe the following figures and filling the blanks. हमें यहाँ पर figures बना के दे रखी है, हमें ये जो fill up दे रखे हैं उसे fill करने हैं. पहले हम कर चुके हैं, आज हम revision करेंगे इसकी. Okay? यहाँ पर एक scale भी दे रखा है centimeters में. अब देखो जैसे एक pencil है, ठीक है, किस तरीके से आपको मेज़र करना है. जैसे पेंसिल दे रखा है, पेंसिल का जो टिप पॉइंट है वो देखो कहाँ पर है. पेंसिल का टिप पॉइंट है 14 पर. इट मीन्स ये कितने सेंटीमीटर के, जीरो से स्टार्ट होगा और जितना भी हमें दे रखा होगा डिजिट में वो हमें आगे मेज़र करना है कि कितना दे रखा है. ये 14 सेंटीमीटर का, यहाँ पर क्या आ जाएगा 14. फिर एक ब्रश दे रखा है, पेंट ब्रश. ओके, अब इसका टिप पॉइंट कहाँ है, 12 पर. इट मीन्स कितनी लेंथ है इसकी, 12 सेंटीमीटर. फिर पेन दे रखा है, पेन का टिप पॉइंट 9 सेंटीमीटर पर जाकर एंड अप हो रहा है, तो ये कितने सेंटीमीटर का हो गया, 9 सेंटीमीटर का. एक टूथ ब्रश दे रखा है, इसकी जो लेंथ है वो है 7 सेंटीमीटर. तो ऑब्जर्व कर करके लिखना है. एक की दे रखी है 5 सेंटीमीटर की है, तो 5 लिखी. एक मैच स्टिक दे रखी है 2 सेंटीमीटर की, तो 2 सेंटीमीटर लिखा. ओके, और सभी को पता है कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर्स होते हैं. फिर देखो व्हाट इज़ द बेटर यूनिट टू मेज़र दीज, सेंटीमीटर, मीटर और किलोमीटर. हमें यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं हमें बताने कि सेंटीमीटर में मेज़र करेंगे, मीटर में या किलोमीटर में. किलोमीटर का तो देखो वहाँ पर यूज़ होगा जहाँ पर डिस्टेंस की बात की जा रही होगी, और ये 1000 मीटर से अबव होगा तो किलोमीटर यूज़ होगा. ओके, जैसे देखो लेंथ ऑफ 10 रुपी नोट. 10 रुपीज़ का जो नोट होता है वो सिंपली छोटा होता है, आप स्केल से भी उसको मेज़र कर सकते हो. तो इधर क्या आएगा, सेंटीमीटर. लेंथ ऑफ अ रिवर, अब जो रिवर है उसकी जो लेंथ है वो कितनी है, ये मीटर में भी हो सकता है और किलोमीटर में भी हो सकता है जो रिवर की लेंथ होती है, ठीक है, क्योंकि कई रिवर जो होती है बहुत ज़्यादा लंबी होती है, तो ये किलोमीटर में भी आ सकती है. वैसे तो इधर किलोमीटर ही आएगा. ओके, क्योंकि रिवर छोटी सी तो होती नहीं, नदी जो होती है. हो सकता है किलोमीटर से कम की भी हो, तो मीटर का भी यूज़ कर सकते हैं. फिर हाइट ऑफ जिराफ, जो जिराफ की हाइट होती है वो कैसे मेज़र करेंगे, वो होगा सेंटीमीटर में. आपसे पूछा जाता है ना कि आपकी हाइट कितनी सेंटीमीटर है, तो आप बताते हो कि इतनी फिट है, इतने सेंटीमीटर है. हाइट ऑफ अ फ्लैग पोल, जो फ्लैग पोल होता है, जो नॉर्मली फ्लैग पोल आप यूज़ करते हो, ठीक है, इंडिपेंडेंस डे पर, रिपब्लिक डे पर जो झंडा होता है आपके पास, उसका जो फ्लैग पोल होता है उसको किस में मेज़र करेंगे, उसे भी हम सेंटीमीटर में मेज़र करेंगे. डिस्टेंस फ्रॉम मुंबई टू पुणे, मैंने बोला था ना कि जहाँ पर भी डिस्टेंस की बात की जा रही होगी, एक जगह से दूसरी जगह की बात की जा रही होगी, वहाँ पर कितना आएगा, किलोमीटर. लेंथ ऑफ अ नीडल, नीडल होती है छोटी सी सुई, सुई की जो हाइट होती है वो कितनी होती है, उसे भी हम सेंटीमीटर में स्केल की हेल्प से मेज़र कर सकते हैं, तो वो सेंटीमीटर में मेज़र होगी. डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ टू मून, अभी बोला डिस्टेंस जहाँ भी आएगा वहाँ पर किलोमीटर आएगा. अर्थ से मून का डिस्टेंस जो है वो कितना है. डिस्टेंस ऑफ स्कूल फ्रॉम होम, डिस्टेंस देखो स्कूल से और घर का मीटर भी हो सकता है और किलोमीटर भी. कहीं का जो घर हो, क्या पता है स्कूल को टच कर कर ही हो, स्कूल से 2-4 जो हाउस घर वगैरह है उसे छोड़कर हो सकता है, तो मीटर भी आ सकता है. और कहीं का घर जो हो यहाँ से हो सकता है, उत्तम नगर से पश्चिम बिहार का हो या उत्तम नगर से विकासपुरी का हो, तो वहाँ पर किलोमीटर यूज़ होगा. ओके, डिस्टेंस लेंथ ऑफ अ क्रिकेट पिच, जो क्रिकेट पिच होता है उसकी जो लेंथ होगी वो किस में होगी, मीटर में. लेंथ ऑफ अ स्ट्रो, जो एक पाइप होता है जिसका आप यूज़ करते हैं कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह लेने में या फ्रूटी वगैरह पीने में, उसको किस में मेज़र करेंगे, हम सेंटीमीटर्स में उसे हम मेज़र करेंगे. ओके, फिर दे रखा फिलिंग द बॉक्सेस. 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर्स होते हैं. 1 किलोमीटर में 1000 मीटर्स होते हैं. द लेंथ ऑफ योर नोटबुक इज़ अबाउट डैश सेंटीमीटर, आपकी जो बुक की लेंथ होगी वो अराउंड 20 सेंटीमीटर हो सकती है, मोर देन 20 भी हो सकती है, ठीक है. फिर देखो द हाइट ऑफ अ डोर इज़ अबाउट, जो आपके घर में डोर वगैरह होते हैं उसकी जो हाइट होगी अराउंड कितने मीटर होगी, 2 मीटर तक की. द लेंथ ऑफ डाइनिंग टेबल इज़ अबाउट डैश मीटर, जो डाइनिंग टेबल होता है हमारे घर में जिसमें हम खाना वगैरह खाते हैं जिसके ऊपर, वो क्या होता है, 2 मीटर तक उसकी जो हाइट होती है, लेंथ होती है वो हो सकती है, हो सकता है छोटा भी हो. द लेंथ ऑफ योर साइकिल इज़ डैश देन 1 मीटर, आपकी जो लेंथ होती है साइकिल की वो 1 मीटर से ज़्यादा होती है, सो मोर देन 1 मीटर. द लेंथ ऑफ अ बैडमिंटन रैकेट इज़ डैश देन 1 मीटर, जो बैडमिंटन का रैकेट जो होता है ना वो 1 मीटर से लेस, लेस मीन्स कम, LESS होता है. द लेंथ ऑफ योर मैथ बुक इज़ डैश देन 1 मीटर, 1 मीटर ज़्यादा हो जाता है तो मैथ बुक की जो लेंथ होती है वो क्या होती है, लेस होती है. द हाइट ऑफ योर बेडरूम इज़ अबाउट 5, जो बेडरूम की हाइट होती है वो कितनी होती है, 5 मीटर तक होती है. ओके,
तो आज के लिए इतना ही, आपका होमवर्क है, इसको आप अपनी बुक में फिर से फिल करेंगे, अगर नहीं कर रखी बुक में फिल तो फिल करेंगे और इसकी प्रैक्टिस करेंगे, ओके। और हो सकता है कि मैं नेक्स्ट क्लास में आपका इसका एज अ फिलिंग द ब्लैंक्स या एमसीक्यू में टेस्ट भी ले सकूँ, तो इसकी अच्छे से रिविज़न करेंगे, ओके। थैंक यू।